हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और सुबह के 9 बजे हैं तो और अब बनाएंगे हम खाना। तो खाना हम बनाएंगे आज मिट्टी के चूल्हे पर, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं खाना और बाहर तैयारी करते हैं। चूल्हे को थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। बाजरे की रोटी बनाएंगे और सब्जी में शायद बैंगन, भरवा बैंगन बना लूंगी और देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। तो चलिए। और मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक सामान ऑर्डर किया है, तो वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है। तो चलिए पहले घर का काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं लंच, क्योंकि 12 बजे लंच होता है। हमारे हस्बैंड जी आएंगे खाना खाने, पापा जी आएंगे, तो अभी खाने का टाइम है। पहले खाना तैयार करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ऑर्डर किया है। यहाँ पर मैं चूल्हे की साफ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे अभी पोता लगाना है चूल्हे पर और नीचे साफ कर लेंगे फर्श को, फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए पहले चूल्हे को साफ कर लेते हैं। और अब ये चूल्हे के जो बर्तन हैं इन्हें साफ कर लेते हैं। ये तवा है, ये भारी वाला तवा है, तो ये मिट्टी के चूल्हे का है। इसे मांझ लेते हैं अच्छे से साफ करके। तो इसे मैं ईंट से मांझती हूँ, लोहे का है इसलिए, और अच्छे से साफ हो जाएगा तो इसे रख देंगे। फिर हम करेंगे तैयारी आग जलाने की चूल्हे में। तो चलिए ये तो धुल चुका है और अब लगाती हूँ मैं इसमें लकड़ियाँ चूल्हे में और आग जलाते हैं और तैयारी करते हैं खाना बनाने की। और खाने में बनाएंगे आज हम भरवा बैंगन और पीसेंगे सिल्पर चटनी और बनाएंगे बाजरे की रोटियां। तो आज शुद्ध देसी खाना होगा, विलेज वाला बिल्कुल। तो आप देखिए, पूरा ब्लॉग देखना किस तरह से करते हैं आज हम, कैसे खाना बनाएंगे। तो ये मैंने सब्जियां ले ली है, चटनी का सामान ले लिया है और इधर आग जला दी है चूल्हे में। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो पहले मैं सब्जी छौंकने रख देती हूँ, सब्जी बनेगी इतने मैं चटनी पीस लूंगी। तो पहले सब्जी बना लेते हैं। तो ये बैंगन मैं कट कर रही हूँ, तो इन्हें देख देख के कट कर रही हूँ, क्योंकि ये खराब भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं इसमें। तो बिल्कुल क्लीन है सारे बैंगन, बहुत अच्छे से साफ हैं बिल्कुल। तो चलिए अब मैं सब्जी छौंक देती हूँ। तेल गर्म हो चुका है काफी, धुआं निकल रहा है कढ़ाई से देखिए। और क्योंकि ये चूल्हे में तेज आग जलती है तो ऊपर नहीं जीरा डालती मैं, नीचे उतार के ही मसाला डालती हूँ कढ़ाई में। तो अब इसे सब्जी को बना लेते हैं। और अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ जो मैंने पीसा है, लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट है ये, तो इसको डाल देंगे। और इसके बाद डालेंगे हम मसाले, हल्दी मिर्च नमक ये। तो अभी चला लेते हैं इसको। और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो जब खुशबू आने लगती है तो समझो मसाला अच्छे से भून चुका है, फिर हम डाल देंगे इसमें बैंगन। तो इसका मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मसाले वाले ही होते हैं ये बैंगन, पानी नहीं डालते इसमें और इसे ज़्यादा मसाले में डालते हैं बैंगनों को, तो अच्छे से बनेंगे, टेस्टी, बहुत टेस्टी बनते हैं ये वाले बैंगन। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं इसकी। और पीछे से थोड़ी आवाज आ रही है, एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हैं आप इस तरह से बैंगन
हम डाल देंगे, अभी दो चार और हैं उन्हें भी डाल देते हैं इसी में। तो ये मैंने मसाले में भून लिया अच्छे से और इनको रख देंगे अब ढककर, पकने देते हैं। और अब मैंने इधर कर लिया है सिल तैयार, तो इस पर पीसेंगे हम चटनी। तो चटनी में मैंने टमाटर और ये जो रखा है लहसुन है हरा वाला, और हरी मिर्चें हैं, और धनिया हम अपने ही क्यारी वो जो मैंने टब में बोया था धनिया उसमें से लेंगे। तो ये वाली मिर्च तो बहुत तेज़ है, हम ये वाली नहीं डालेंगे, मैंने घर से ही ले ली है। तो धनिया काट लेते हैं, फ्रेश फ्रेश धनिया बिल्कुल। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है, घर का जो धनिया होता है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं मार्केट से लाती हूँ, मुझे उसमें पता नहीं क्यों खुशबू नहीं आती, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अभी मैं काट ही रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से ना। तो चलिए धनिया मैंने काट लिया है, और अब पीसेंगे चटनी सिल पर। तो अब हमने सिल तैयार कर ली है, और अब इस पे पीसेंगे चटनी। तो चटनी के लिए हमने जो सामान तैयार किया ये सब, तो उसे रख लेते हैं। और सिल पर चटनी पीसी हुई बहुत टेस्टी लगती है, मिक्सी में पीस तो लेते हैं हम लोग भी जल्दबाजी में ना कभी कभी, पर उतना टेस्ट नहीं देती जितना सिल पे पीसी हुई चटनी टेस्ट देती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए पीसते हैं। तो ये मैंने नमक और हरी मिर्चों को पीस लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, जो हरा लहसुन है हमारे पास वो डालेंगे अब हम इसमें काट के। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ चावल की रोटियाँ। तो आप देख सकते हैं कितना वाइट वाइट है ये वाला आटा, तो ये चावल का आटा है, और इसकी बहुत टेस्टी लगती हैं रोटियाँ ना, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जैसे चावल को पसंद करते हैं ऐसे चावल की रोटियों को बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए ये वाली रोटियाँ बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी सामान मंगाया वो क्या सामान है। और इधर जोया हिला गए हैं, और अब हम दिखाएंगे इस वाले बॉक्स में है जो मैंने सामान मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो देखते हैं इसमें क्या है, आपको कैसा लगेगा ये सामान। बच्चों का सामान नहीं है लेकिन बच्चे ऐसे घेर के बैठ गए हैं, इसमें क्या निकलेगा।
बच्चे सोच रहे इसमें क्या निकलेगा ऐसा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मंगाया है मैंने। तो इसे भी खोल देते हैं, इस पर भी देखिए बहुत मजबूती से टेप लगा रखी है, तो बच्चों से तो खुलेगी नहीं। तो इसे खोल देते हैं आप, बच्चे पूछ रहे हैं इसमें क्या मंगाया है क्या मंगाया है। तो बच्चों को ये ऊपर पन्नी दिख गई है, जो फोड़ने वाली पन्नी होती है ना, बबल्स से होते हैं जिसपे, वो छीन रहे हैं। इनको ये मतलब नहीं इसमें निकला क्या है, पर पन्नी को देख रहे हैं और लेके भाग रहे हैं कि ये मेरी है ये मेरी है। बॉक्स किसी ने नहीं देखा इसमें क्या मंगाया है। और अब मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो ये है पर्स, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसे खोल के दिखाते हैं पूरा कैसा है ये। तो ये वाला है वो पर्स। तो ये पैकिंग में इतनी मजबूत होके आया है ना, डब्बे में फिर उसके अंदर एक और डब्बा, इस तरह से ये पैक होके आया, बहुत सुंदर पर्स है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए इसे और खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, कैसा है इसका लुक अंदर से, ये देखते हैं इसमें। तो ये इसका पकड़ने वाला हैंडल है और ये चैन आई है साथ में। चैन को भी इसमें अटैच करके दिखाती हूँ कैसा लगेगा ये अटैच होने के बाद। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये बहुत सुंदर पर्स है, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। तो आज मैंने ये शॉपिंग की है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया इसको। तो चलिए अब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, जोया इसे टांगने की कह रही है। तो जोया देखिए कैसे लग रही है जोया। और अब इसको रख देती हूँ पैक करके वापस, और करते हैं और काम घर का कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी है और ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।